तो अभी आ गए हैं कॉन्जर्वेटरी पे। यह है फेमस कॉन्जर्वेटरी लॉन्गवुड गार्डन्स का, फिलाडेल्फिया का, यूएसए का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस गार्डन है लॉन्गवुड गार्डन। तो आगे है यहाँ का फेमस कॉन्जर्वेटरी पे, पीछे है कॉन्जर्वेटरी, यह है कॉन्जर्वेटरी। यहाँ पे जो चंद्रमल्ली का फूल होता है ना, क्रिसेंथेमम, उसका एग्जीबिशन होगा, शायद वाटर लिली भी हो सकते हैं। और उस साइड पे टोपियरी है, और अभी तो येलो मैपल लीफ भी आ गए हैं, तो फॉल कलर्स भी यहाँ पे बहुत सुंदर दिख रहा है। 4 घंटे यहाँ पे रहेंगे। यहाँ का टिकट है पर हेड $25 करके, और 10 बजे का अपॉइंटमेंट था, हम लोग चले आए 10 बजे के अंदर। तो अभी चलिए अंदर चलते हैं और क्रिसेंथेमम का शो देखते हैं। पहले चलिए अंदर मैपल लीफ, यह है टोपियरी, यह है फेमस टोपियरी। राइट, देखो ये और एक टोपियरी है। ये जगह कितना सुंदर दिखता है ना, बहुत सुंदर दिख रहा है। देखो ऐसे वाइट व्हाइट बॉल जैसा रखे है ना पीछे घास के ऊपर, और यहाँ पे वाइट लाइट पिंक कलर का क्रिसेंथेमम का टोपियरी इतना सुंदर दिख रहा है, और बिल्डिंग भी बहुत सुंदर है। तो टोपियरी देखते हुए हम अंदर जाके और एक टोपियरी देखा, ये भी चंद्रमल्लिका जो फूल होते हैं ना, बांग्ला पे चंद्रमल्लिका बोलते हैं, क्रिसेंथेमम उसका ही है। अभी मैं आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ चंद्रमल्लिका फूल या डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रिसेंथेमम मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो येलो कलर का आपने देख लिया, अभी ये देखिए ये वाइट कलर का है। वाइट और येलो सिर्फ नहीं, बहुत सारा अनकॉमन कलर का फ्लावर यहाँ पे है। देखिए पूरा स्नो बॉल जो बोलते हैं ना क्रिसेंथेमम, ऐसा कोलकाता पे भी किसी किसी का घर पे होते हैं विंटर सीजन पे, ऐसा नहीं कोलकाता पे होते नहीं है, कोलकाता पे भी मैंने देखा है किसी किसी का घर पे होते हैं। और अंदर पूरा कवर्ड है, ये बड़ा सा स्क्रीन हाउस टाइप का आप बोल सकते हो, ग्रीन हाउस नहीं स्क्रीन हाउस टाइप का आप बोल सकते हो। यहाँ पे फुआरा है, वहाँ पे बहुत लोग पैसा देके गए हैं, क्यों देके गए हैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि ये तो विशिंग लेक नहीं है फिर भी। और यहाँ पे एक लाइट वायलेट कलर का फ्लावर है, वो भी क्रिसेंथेमम है। यहाँ पे देखिए जिसको पाताबहार बोलते हैं ना, ऑर्नामेंटल लीव्स का जो प्लांट्स, वो भी सुंदर करके कितना अच्छा करके रखे है। इसका ये जो गार्डन है ना, बहुत प्रेस्टिजियस गार्डन है, और ये लॉन्गवुड गार्डन का फाउंडर थे मिस्टर पियर एस डूपोंट। डूपोंट कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, वर्ल्ड फेमस कंपनी, तो पहले वही थे फाउंडर। और हॉर्टिकल्चर, आर्ट और एडुकेशन को यहाँ पे बहुत महत्व दिया जाता है। हॉर्टिकल्चर, आर्ट और एडुकेशन का इम्पोर्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही है। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर जगह है, फुआरा टाइप का, फुआरा नहीं झरना टाइप का, यहाँ पे आप शांति से थोड़ा बैठ सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं थोड़ा बैठी भी थी यहाँ पे। ये जगह भी बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, बैठने का जगह है, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल है। पीछे चेयर्स भी दिए हुए हैं ऐसे। ये बैम्बू ट्री, बांस गाछ, आपको किसी को बांस देने का मन करे तो यहां से आके बांस लेके आप दे सकते हो। जस्ट किडिंग।
और यहाँ पे डिफरेंट टाइप का प्लांट्स है, बैम्बू का प्लांट लेके तो मैंने मजाक किया आप लोगों के साथ। ये देखिए और एक पाताबाहर ऑर्नामेंटल लीव्स का प्लांट है, रेड कलर, कितना सुंदर रेड कलर आया है। और एंथुरियम भी है, ये वाला एंथुरियम मेरे घर पे भी है, वाइट कलर का है, पीछे रहते हैं बैक ईयर पे। ये सीजनल फ्लावर होते हैं। अभी देखिए कितना सुंदर लैवेंडर कलर का फ्लावर, बहुत ही सुंदर। ये फ्लावर का नाम मैं जानती थी, अभी याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो जो प्लांट्स आप लोग दिख रहे हैं ना, फूल का प्लांट और जो भी प्लांट दिख रहे हैं, सारे ओरिजिनल है, नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल प्लांट कुछ नहीं है। जैसे हम ड्राइंग रूम पे आर्टिफिशियल प्लांट से सजाते हैं ना, ऐसे कुछ नहीं है, सारे ओरिजिनल और नेचुरल प्लांट्स है। रिफ्लेक्स मम, और भी क्रिसेंथेमम है, वाइट, छोटा छोटा वाइट स्टार जैसा, वाइट और लेवेंडर कलर का। ये देखिए कितना सुंदर वाइट और पिंक स्टार जैसा, ये हल्का पीच और येलो कलर का, पूरा खेती जैसा बना के रखा है। ऊपर देखिए ऐसे पौधे को ऐसे गोल करके ऊपर से हैंग कर दिया, कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए ये बड़ा साइज का, ये ब्राउन और येलो कलर का है, जो ड्यूअल कलर का होता है ना, वो इतना ब्यूटीफुल होते हैं, और छोटा छोटा येलो कलर का होते हैं। मैं बोली थी हस्बैंड को कोलकाता जाके एक जगह पे ऐसे शो होते हैं, तो मुझे देखना था इस बार, तो जाना नहीं हुआ। तो बोल रहे थे कि तुमको उससे भी बेहतर जगह दिखाऊंगा। तो सचमुच वहाँ पे जैसे चंद्रमुली का देखा जाता है जहाँ पे शो होते हैं, उससे भी बेटर जगह पे मैं आ गई। मतलब और बेटर जगह मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए येलो स्टार जैसा है चंद्रमुली का फूल, क्रिसेंथेमम। ये देखिए और भी बड़ा साइज का है, कितना सुंदर है ना, जैसे स्प्राउटेड मूंग का जो स्प्राउट निकलते हैं ना ऐसे। और सामने देखिए कितना सुंदर, क्रिसमस टाइम पे भी यहाँ पे चालू रहेगा। आप लोग इनका वेबसाइट है वहाँ पे चेक करके आ सकते हो, $30 पर हेड करके होते हैं क्रिसमस टाइम पे, $5 बढ़ा देते हैं। ये देखिए ये भी एक लाइट ब्राउन और वाइट कलर का है फ्लावर, मैं सामने से दिखा रही हूँ आप लोगों को, इतना सुंदर दिख रहा है ना। और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का मैं पिक्चर यहाँ पे अटैच कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। मैं बहुत सारा फोटो अपलोड करने वाली हूँ और रील्स भी देने वाली हूँ, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ का फैमिली रेस्टरूम बहुत ही क्लीन है, चलिए थोड़ा दिखा लेते हैं। इंडिविजुअल है मेन वुमेन का, फिर मदर्स रूम है, और फैमिली रेस्टरूम बहुत बड़ा है, क्लीन है। अच्छा है ना, बहुत बड़ा रेस्ट रूम है। यहाँ पे 7-8 लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट, फैमिली टॉयलेट है। वो टॉयलेट जाने से पहले ये जगह पे ऑर्किड करके रखा है। हाँ, मायामी पे और भी डिफरेंट वैरायटी का और भी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऑर्किड मिलते हैं। हम लोग तो हर साल ऑर्किड शो पे जाते थे, अभी तो 2 साल से बंद है, तो थोड़ा ऑर्किड देख के मन खुश हुआ। मेरे घर पे भी कई तरह का ऑर्किड है, तो अभी मेरे हस्बैंड ऑर्किड के लिए एक जैसे बेड टाइप का बना रहे हैं, खुद सारा वुड खरीद के लेके आए, लोस से स्क्रू ये सब देके, गैल्वनाइज्ड जो स्क्रू होते हैं जो रस्ट नहीं होगा, ऐसे देके एक खटिया बेड टाइप का ऑर्किड के लिए बाहर बना रहे हैं। हो जाएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए कितना सुंदर ये वाला ऑर्किड, देखिए ड्यूअल कलर का, ड्यूअल कलर का मतलब शेडेड फ्लावर कोई भी हो कितना सुंदर लगता है। हाँ, सिंगल फ्लावर भी अच्छा लगते हैं और शेडेड फ्लावर भी बहुत अच्छा लगते हैं। यहाँ पे सिर्फ चंद्रमल्लिका या क्रिसेंथेमम ऑर्किड सिर्फ नहीं है,
हम तो ये क्रिसेंथेमम का शो देखने आई है, पर मेनली हमने फॉल कलर्स देखने आए हैं यहाँ पे। तो फॉल कलर जरूर दिखाएंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलिए अभी ऑर्किड का मजा लेते हैं। और लॉन्गवुड गार्डन का वीडियो और दो वीडियो आएगा, दो पार्ट पे आएगा, दो व्लॉग्स आपके लिए। ये तो मैं छोटा छोटा करके दे रही हूँ, फिर भी बड़ा हो रहा है। मैं नहीं चाहती आप लोग कुछ भी मिस करो इसका, इस ब्यूटी का, नेचुरल ब्यूटी का। इसीलिए मैं 3-4 पार्ट पे मैं लॉन्गवुड गार्डन्स का पूरा व्लॉग्स दूंगी। लॉन्गवुड गार्डन्स का फॉल कलर्स भी बहुत अच्छा था। अंदर देखिए कितना सुंदर है, बहुत सारा लोग छोटा बच्चा लेके फोटोशूट कर रहे हैं, प्री वेडिंग शूट, प्रेगनेंसी शूट, बहुत सारा कुछ अंदर हो सकता है। सब लोग तो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना पूरा प्रोफेशनल फोटोग्राफर, तो कोई कोई लोग इतना अच्छा जगह पे आके वो लोग शूट करते हैं, अपना खुद का कैमरा लेके, अपना खुद का लोग लेके आते हैं और शूट कर रहे थे। मैं देखा, मुझे अच्छा लगा ये आइडिया। तो आपका भी ऐसे कोई प्लान हो तो ऐसी जगह पे आके आप भी कर सकते हो। तो चलिए ऑर्किड का गार्डन देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए ऑर्किड का गार्डन से निकल के वाइब्रेंट फ्लोरोसेंट डीप ग्रीन कलर का क्रिसेंथेमम, पहले मैंने कभी नहीं देखा ऐसे ग्रीन कलर का फ्लावर। कितना ब्यूटीफुल, कितना फ्लोरोसेंट और कितना अनकॉमन है, बहुत सुंदर। और यहाँ पे है स्नोबॉल टाइप का मरून और वाइट कलर का क्रिसेंथेमम। देखिए पूरा स्नोबॉल जैसा ही दिखते हैं, पर कलर कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट। और यहाँ पे ग्रेप फ्रूट है, हाइब्रिड ग्रेप फ्रूट, ये ढके हुए जगह के अंदर ही हुआ है। कितना सारा बड़ा बड़ा फ्लावर हुए हैं। और ये वाला तो और भी ब्यूटीफुल, ग्रीन वाइट और वायलेट कलर का, तीन कलर का कॉम्बिनेशन का है ये क्रिसेंथेमम। ये तो बहुत ही अनकॉमन है। और ये मेरून वाला तो सभी ने देखा ही होगा, ये वैनिला का प्लांट है, वैनिला। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर जापानीज फैन बना के रखा है, और एक टोपियरी टाइप का बना के रखा है क्रिसेंथेमम का। और ये देखिए जापानीज फैन बना के रखा है पूरा क्रिसेंथेमम। देखिए चंद्रमल्ली का फूल देखे, कितना सुंदर ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे आके भी लोग बहुत फोटोशूट कर रहे थे, मेरा तो मन खुश हो गया ये आर्ट वर्क देख के। इस गार्डन पे ना एडुकेशन, आर्ट और हॉर्टिकल्चर को ना बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, आर्टिफिशियली ट्रेन्ड फैन फॉर्म विथ कैस्केड क्रिसेंथेमम्स, कितना सुंदर है ना, ब्यूटीफुल है। तो अगर अब तक वीडियो अच्छा लगे एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, और भी अच्छा लगे अपना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। कॉमेंट की करके मुझे बोलना कि आप लोगों को कौन सा फूल अच्छा लगा, कौन सा जगह अच्छा लगा ये गार्डन के अंदर। और भी 3-4 व्लॉग आएगा या 2-3 व्लॉग आएगा इस गार्डन के अंदर क्या है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, बाय अगेन।